हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th का सेट 5 के ऊपर, और सेट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक बात करेंगे। और आज ही के दिन जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर का होने जा रहा है खात्मा, है ना, यानी समाप्त हो जाएगा। 5 का 5 हम लोग क्लियर कर चुके होंगे इस वीडियो में, अभी किए नहीं है, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हम लोग बात करते हैं, बाकी बीच बीच में थोड़ी सी इंटरटेनमेंट सिंटू सर करते रहते हैं आप लोग के साथ में शेयर। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि द वैल्यू ऑफ के शोड एट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू के। बोल रहा है भैया क्वेश्चन कि के का आप वैल्यू बताइए, वह मान बताइए जिससे यह फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस हो जाए। मतलब इस फंक्शन को एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस होना है, क्या होना है, 2 पर कंटिन्यूअस होना है। तो के का क्या कौन सा ऐसा मान रखा जाए, ऐसा वैल्यू रखा जाए जिससे भैया यह कंटिन्यूअस हो जाए, क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूअस होने का कंडीशन मैं शॉर्टकट बताया हूं कि भैया आप लंबा लंबा नहीं बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल भैया, राइट हैंड लिमिट निकाल भैया, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल भैया, तो गेले भैया बोरा में। इसलिए जो मैं बता रहा हूं वो कीजिए। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर यहां बोल रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर हो जाए एफ ऑफ 2 तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों होता है, है ना। तब यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या मिलेगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो यहां पर मिलेगा हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट 3 दिया हुआ है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम मिलेंगे। तो इसमें क्या कीजिए कि x बराबर आप 2 डाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी हो गया 4 के बराबर क्या, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही, और बराबर में राइट हैंड लिमिट जो कि 3 है, तो k का वैल्यू क्या निकल जाएगा भैया, तो 3/4 निकल जाएगा, है ना। तो अगर k का वैल्यू मैं 3/4 रख दूंगा, k का वैल्यू क्या रख दूंगा, 3/4 रख दूंगा, तो यह मेरा फंक्शन जो है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, है ना। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एट विच पॉइंट द फंक्शन, फंक्शन क्या है भैया, तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो एट विच पॉइंट फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस इन द इंटरवल, किस इंटरवल में भाई, तो इसे हटा के मैं लिख देता हूं, है ना। इंटरवल क्या लिया है, तो इंटरवल लिया है कि आपका एक्स जो है इसमें है, किसमें है, तो 0 to 2 ओपन इंटरवल ना। तो पहले आप ऑप्शन इसका देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें है 0, ठीक। बी है इसमें है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही काम करेंगे, 2 है, और सी में 1 है, और डी में है नन ऑफ दीज, डी में क्या है, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आइए, तो भैया ओपन इंटरवल यहां से नंबर हमें लेना है, यानी 0 से बड़ा और 2 से छोटा पे बात करना है, क्योंकि ओपन है ना, ओपन का कहने का मतलब अगर यहां 0 यहां 2, तो आपको 0 से बड़ा पे बात करना है और 2 से छोटा पे, तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे ही खत्म हो गया 0 और 2, और 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसके बीच के नंबर पे बात करना है, तो इसके बीच का एक नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ऐसे तो नंबर बहुत सारे आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसके बीच के क्वेश्चन भी क्लियर नहीं किया है कि एक्स का वैल्यू इंटीजर लेना है क्या लेना, तो क्लियर तो नहीं किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप काम करेंगे। तो एक नंबर यहाँ पर 1 है जो कि इसके बीच में है, तो
अगर इसको आप ना देखें, अगर ए नहीं होता तो हम बोल देते कि यह एफ ऑफ एक्स बराबर अगर एक्स होता तो बोलते कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यह हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन ही जो है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, कहीं पे भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन माइनस में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यह है एक और यह है इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है ना, यानी यह कंटिन्यूअस है वन पर लेकिन यह नहीं है, और कंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का जो डिफरेंस होगा वह भैया क्या होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा है ना, क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बोल रहा है कि यह किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। हाँ तो 23 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो इससे थोड़ा सा भाई हटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि द फंक्शन, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री है ना, तो वो और एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स जो है रियल नंबर है, एक्स क्या है भैया रियल नंबर, ठीक। तो बोल रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस, पहला है ऑप्शन कि यह जो है कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है, कहां पर कंटिन्यूअस है, तो एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पर। तो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना भैया वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो यह तीन पर कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो सकता जब एवरीवेयर होगा, तो तीन पर कंटिन्यूअस है, सही बात लिखा गया है। जो बी नंबर ऑप्शन है वो लिखा गया है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो अभी तो मैं बोला कि यह एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है भाई यह बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी में बोल रहा है क्या, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है वो कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो जो मॉड के अंदर रखा जाता है ना नंबर, उसको एक्सप्रेशन जो मॉड के अंदर है उसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए, और एक्स का जो वैल्यू आएगा उस पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पर ये नॉट डिफरेंशिएबल, सही बात है, ये भी ऑप्शन इसका सही है। और डी नंबर में लिख रहा है ऑल ऑफ दिज, ऑल ऑफ दिज, क्या ये सभी बात सही है, तो भैया सब बात सही है, तो हम एग्जाम में ए नहीं मारेंगे यहाँ, क्योंकि ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और ये बोल दिया कि ऑल ऑफ दीज सब सही है, क्या है सब सही है ना, तो हम मारेंगे इसमें ऑल ऑफ दीज, तीनों ऑप्शन ऊपर वाला गिवन है और चौथा के लेकर चारों सही है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था क्या 21, 22, 20, 23 था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। नंबर 24 बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ, 24 बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो भैया साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, है ना। तो देखिए जब इसका अब डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन पूछ रहा है ना, तो इसका डेरिवेटिव बताइएगा, तो जो x के साथ है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा बाहर, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, तो ये कॉस हो गया, और अंदर में जितना है वो सब आप लिख दीजिए, ठीक। तो ये आपका डेरिवेटिव निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन निकल गया, तो 24 का जो ऑप्शन नंबर है आपके पास वो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो 24 क्या बोलता है, ओ सॉरी 24 तो हो ही गया यार, 25 के ऊपर बात करना है ना हम लोग को। तो 25 बोलता है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है भैया पाई है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई है, देन dy by dx, तब dy/dx क्या होगा वह आप बताइए, ऑप्शन आपका गिवन है। तो यह कैसा फंक्शन है, तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप डायरेक्ट कीजिए डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट में लाकर, या ऐसे भी कर लीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में
एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होगा, ये तो आप लोग जान रहे हैं, और यहां dy by dx हो जाएगा y का, और पाई कांस्टेंट है तो ये 0 लेकर आया, तो dy by dx बराबर क्या निकल जाएगा मेरे भाई, तो dy by dx 1 है इधर प्लस में, राइट में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 25 नंबर का जो आंसर आएगा वो -1 आएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए अब 26 नंबर क्या बोल रहा है भाई, 26 नंबर क्या बोल रहा है, तो इसे मैं हटा लेता हूं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर हम लोग को बात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि इफ y इज इक्वल टू sec इनवर्स, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² - 1 है, तो dy by dx क्या होगा, ए आप बताइए, dy by dx क्या होगा आप निकाल के बताइए। तो देखिए यहां से एक बात आप सीखिए, है ना, कि जब हमारे पास रहेगा sec इनवर्स 1/x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया cos इनवर्स x के बराबर, किसके बराबर लिख सकते हैं, cos इनवर्स x के बराबर, यानी यह बात हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा cos इनवर्स 2x² - 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। और cos इनवर्स 2x² - 1 बराबर क्या होता है, तो यह फार्मूला लिखा गया है कि यह 2 cos इनवर्स x का फार्मूला cos में लगाया गया है, है ना। तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई बताओ, क्वेश्चन में कोई जान है यार, तुम लोग अजीब करता है। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव जो भी है माइनस में आएगा, तो ये आता है -1/√1 - x², यही आता है बिल्कुल। और भैया इनटू में यहां 2 है, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई देना है, यानी 2 यहां लाकर लगा दो, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया डीवाई बाई डीएक्स बराबर -2/√1 - x² इसका जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर कितना था यार, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अरे यार क्या मैं बोल रहा था, 26 के बाद 23 के पास पहुंच रहा हूं, कहां मेरा दिमाग है, 27 के ऊपर बात करना है हम लोग को। तो 27 बोल रहा है कि y इज इक्वल टू है 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मींस dy by dx आप निकाल के दीजिए, क्या निकाल के देना है, dy by dx। तो आप याद कीजिए कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यह होता है 1/x log a, 1/x log a, यह इसका डेरिवेटिव होता है। यानी यहां से इसको निकालिएगा तो बस उसी फार्मूला पे आप बैठा दीजिए, तो dy by dx बराबर 3x, और यहां हो जाएगा log 3, है ना। तो ये हमारा सही जवाब है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यह लगा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, कैसा जवाब है, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर y बराबर, ये क्वेश्चन भाई वाह कम से कम हमारा लगा ही हो ना, 4 बार बोल रहा है कि y बराबर है 5 cos x - 3 sin x, है ना, 3 sin x है, तो बोल रहा है कि dy by dx क्या होगा, लेकिन इस बार क्या कि हाँ d2 डबल डिफरेंशिएशन देना है इसको, मतलब बोल रहा है कि d2y/dx² क्या होगा आप बताइए, ठीक है, यानी डबल डिफरेंशिएशन बताना है भाई। तो इसको तो मैं कई बार बताया, इसको लगभग हमें देखने से 4 बार आया है ना, इसका आंसर -y के बराबर आता है, ठीक है। तो इसको बार बार मैं क्या बनाऊ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 28 के लिए, ठीक। चलिए 29 के ऊपर हम लोग बात करते हैं, हटा दे, चलिए बिल्कुल हटाना ही पड़ेगा मुझे तभी काम होगा। ये सैया सोनवा के सिकरिया दिल्ली शहर से लईहा हो,
बस भाई इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तुमको, है ना। हमें आता नहीं है उतना, बस जितना आता है अपने आप में गुनगुनाता हूँ। शायद तुम्हें अच्छा लगे तो कमेंट करना भैया कि सर अच्छा लगा। बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो भाई, जिसका डेरिवेटिव पूछेगा जिसके रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट वाला आ जाएगा नीचे, रिस्पेक्ट वाला कहां रहेगा नीचे। शॉर्टकट काम करना, ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना। जो लंबा चौड़ा भाई, टी मान, ए मान, फलना मान, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना शॉर्ट लेकर चल सकता है तुम। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, है ना। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यह माइनस साइन एक्स लगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और साइन बाई कॉस क्या होगा भैया, तो टेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स, क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। तो ये हमारा सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, कि भैया ये माइनस टेन एक्स अपना आंसर देगा, है ना। तो सी नंबर आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया। बोल रहा है कि x बराबर है क्या है, तो अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स t है, और y बराबर है क्या है भैया, तो y बराबर है अंडर रूट ए के पावर cos इनवर्स t। तो बोल रहा है कि dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताइए, dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आई थिंक माइनस वाई बाई एक्स के बराबर होता है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएशन आप करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर, तो सबसे पहले रूट का लगाइए, तो रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, तो यह हो जाएगा वन बाई टू रूट जो है वो ही, यानी ए के पावर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और अब इसका कीजिएगा ना, तो यहां ए के पावर है, तो ए के पावर एक्स वाला लगाएंगे, तो यह हो जाएगा ए के पावर एक्स, यानी ए के पावर साइन इनवर्स टी, और इनटू में हो जाएगा लॉग ए, ठीक। अब साइन इनवर्स टी का कीजिएगा, तो यह हो जाएगा वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी निकला, क्या निकला, डी एक्स बाई डी टी, है ना। इधर थोड़ा सा भाई इरेज कर लेते हैं, पता चला कैसे निकला। यहां देखिए, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स टी के रिस्पेक्ट में, यानी रूट में जो है वो तो रहा एक्स के एज एक्स। अब यहां ए के पावर एक्स का, तो ए के पावर एक्स लॉग ए, यानी लॉग ए साइन इनवर्स टी का वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें बताना है किसका, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो भाई, तो ये भी है रूट एक्स के रूप में, तो ये भी भैया हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, है ना। और ए के पावर एक्स का यहां लिखेंगे, तो ए के पावर एक्स मीन्स यह इंटू में लॉग ए, इंटू में लॉग ए, और कॉस इनवर्स टी का लिखेंगे, तो माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है भैया डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये टी के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी दिस बाई दिस कर देना है, यानी दिस बाई दिस कहने का मतलब है कि अब देखिए इसको ऊपर और इसको नीचे कर देना है, तो इसे हम मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से टू अंडर रूट, तो ए वाला बात आप देखेंगे तो यह क्या है मेरे पास, ये तो भैया वाई के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा टू वाई, ये क्या हो जाएगा टू वाई, और यहां पर यह जैसा है वैसा ही रहने दूं, नहीं ऐसा नहीं करते है ना, फिर ये गड़बड़ बात हो जाएगी भैया हमारे पास, इसको से इसको मैं कट कर देता हूं, तो ये रूट में यहां बच जाएगा ए के पावर कॉस इनवर्स टी, और इससे ये कट जाएगा, तो ये भी हमारे पास यहां रूट में बच जाएगा, ए के पावर साइन इनवर्स टी जो है बचेगा, ठीक। तो इसको हमें ऊपर लिखना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स लिखना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी टी वाला पहले ऊपर में, तो यहां क्या है ये रूट में आ गया, अंडर रूट क्या है, तो अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी है, तो ऊपर में जाएगा ये बात भैया, तो ये हो जाएगा कितना, तो यहां वाई रखा जाएगा, लॉग ए है ये माइनस में है, तो यहां इसको मैं माइनस दे रहा हूं, फिर इनटू में इधर है लॉग ए, ठीक।
और ए वाली बात तो नीचे आ जाएगी ना, और ए वाली यानी टू यहां से हो जाएगा टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर बाई में, तो ये तो हमारा वाई है ना अंडर रूट में ये जो है, यानी ए हो जाएगा हमारे पास एक्स का वो चीज है ना भाई, तो एक्स और इनटू में तो लॉग ए उसमें भी है तो लॉग ए बाई ए वाली नीचे और यहां से टू, यानी हमारे पास नीचे जो आएगा वो आएगा टू इंटू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ये बात बनेगा। तो यहां से तो भाई साहब ए पूरा कट गया और ये वाला पूरा कट गया, सही जवाब है भाई, मुझे जो याद था वो कंफर्म नहीं था मैं कि क्या होगा, तो माइनस वाई बाई एक्स जो है इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, है ना, माइनस वाई बाई एक्स यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन हो गया भाई 31 के ऊपर बात करना है ना, तो आइए 31 के ऊपर बात करते हैं, तो इसे इरेज कर लेता हूं मैं भाई, हम तो बार बार एक ही बात बोलते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा भी बोलता होगा सिंटू सर पढ़ने के अलावा कुछ बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं घूम लो भाई, जनवरी आ रहा है, जनवरी मनाना अच्छे ढंग से, है ना, और ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, नहीं तो भैया नया साल है, नया साल अच्छा से गुजरे वही सबसे अच्छा है, तो जनवरी का एडवांस में आप सभी को हैप्पी जनवरी। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखते हैं, बोल रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ईच, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष में यदि आर बराबर 4 सेंटीमीटर है तो क्या होगा ये बताइए, है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, किसका एरिया भैया सर्कल का, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है जब आर बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का ए बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना, तो इसके आर के रिस्पेक्ट में बताना है, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग आर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, तो हमें क्या लेना है, तो हमें लेना है आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना, कब बताना है जब r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो r इज इक्वल टू 4 रखेंगे यहां तो 4 टू जा 8 पाई, तो यहां कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, है ना, तो ये आपका सही जवाब है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, तो कौन सा जवाब है भैया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है आंसर क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, बोल रहा है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, बोला जा रहा है कि एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, है ना, कैसा रहता है गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, है ना, त्रिज्या कैसा है भैया परिवर्तनशील है, वेरिएबल रेडियस मतलब परिवर्तनशील त्रिज्या है, तो आगे बोल रहे हैं द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, है ना, तो बोल रहा है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, है ना, वो हम लोग को बताना है जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है, यानी यहां पर गुब्बारा का बात हो रहा है ना, तो गुब्बारा का बात हो रहा है, बैलून का बात हो रहा है, तो बैलून भैया गोलाकार होगा, है ना, और इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा वॉल्यूम में वो बताना है, यानी गोला का आयतन आप लगाएंगे जो होता है 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक कब हम लोग को बताना है डी भी बाई में डी आर, है ना, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बात हम लोग को करना है, ठीक है, विथ द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर जब 10 सेंटीमीटर है तो डी वी बाई डी आर हम लोग को निकाल के देना है, तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये है 4/3 यहाँ से पाई, ठीक, और आर क्यूब का क्या हो जाएगा तो 3r² हो जाएगा, तो 3 और 3 तो भैया कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना,
तो R का वैल्यू आपको 10 देना है, R का वैल्यू क्या देना है इसमें 10 देना है। तो इसको जब R का वैल्यू आप 10 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई और यहां से 10 का स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में जाएगा, तो इसको कर देते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, है ना। तो ये 10 का स्क्वायर क्या मिलेगा यहां से 100 मिलेगा, और ये जब 100 मिलेगा तो ये हो जाएगा 400, तो 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका आयतन जो है इंक्रीज करेगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है क्वेश्चन नंबर भैया किसके लिए 32 के लिए, क्लियर। तो ए हमारा 32 क्वेश्चन नंबर था। अब क्वेश्चन आ गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से, कहां से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से, तो इसे हटा लूं, चलिए भाई हटा लेते हैं। आज भाई थोड़ा नींद आ रहा है अजीब टाइप से, अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, इसलिए। लेकिन मैं सोचा कि भैया लास्ट बच रहा है तो कंप्लीट करा दिया जाए, है ना, बाकी आराम आराम से हम लोग करेंगे जो भी गेसिंग क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि द फंक्शन, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इज ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो इनक्रीजिंग है, क्या है इनक्रीजिंग है, इनक्रीजिंग इनक्रीजिंग इन किसमें इंक्रीजिंग है भैया, तो क्लोज इंटरवल 0 to π/2, है ना। बोल रहा है कि यह इंक्रीजिंग है इसमें और बी में डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑल ऑफ दिस, क्या सब बात सही है। तो देखते हैं कि इसमें इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले अच्छा बी नंबर भी मैं लिख ही दे रहा हूं, बी नंबर ऑप्शन क्या है डिक्रीजिंग है, बी नंबर ऑप्शन है डिक्रीजिंग इन, किसमें डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग है पाई बाय टू टू पाई। ऑप्शन नंबर सी है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन किस में भैया, तो जीरो ऑप्शन तो गलती लिखा है, यहां पे लिख रहा है 0 to π/2, यहां ले ही लिया तो 0 से π/2, π/2 से π, यानी 0 से भाई ये पाई होगा ना, 0 से π। डी नंबर में है ऑल ऑफ दिज, ऑल ऑफ दिज। तो चलिए ये बताना है, है ना, एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज क्या है, तो इस वाले ऑप्शन में क्या होगा यहां आप दिखाइए, तो इसको चलिए भाई देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तो डिफरेंशिएट इसको आप कीजिएगा तो यह एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, तो यह एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इस ऑप्शन में क्या है तो देखते हैं, इसमें इंक्रीज है कि क्या है, तो 0 से π/2 यहां पर है π/2 और यहां पे है 0, तो क्लोज इंटरवल इसको भी लेना है इसको भी लेना है, तो 0 पर अपना वैल्यू यह 1 देगा और फर्स्ट यहां से यहां तक बात करना है तो ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें कॉस जो है प्लस ही होगा और 90 पर आन के 0 बन जाएगा, यानी इस वाले इंटरवल में जो एफ डैश एक्स है 0 से बड़ा और बराबर है ना, यानी यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। ए ऑप्शन सही लिखा है कि यह फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है यहां पर, ठीक। और दूसरा इसमें क्या है, तो अगला बोला है कि आप बात कीजिए पाई बाई टू से पाई तक, है ना, कि क्या इसमें डिक्रीजिंग है, तो देखिए भाई देखते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा माइनस है, कैसा है माइनस, और यहां पर कॉस 0 हो जाएगा यहां पर -1 हो जाएगा, है ना, यानी इस वाले में जो हमारा एफ डैश एक्स है वो 0 से छोटा और बराबर है, तो ये सही बात है कि इसमें यह जो फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर। अब बातें आती है किसमें, तो बात आ रहा है 0 से पाई के बीच में,
तो जीरो से पाई के बीच में भैया पाई बाई टू भी मिला है ना, तो इसके बीच में फंक्शन देखो यहां इंक्रीज कर गया है, प्लस कर गया है, और यहां पर फंक्शन जो हमारा है डिक्रीज कर गया। ठीक, तो हमें क्या देखना है, पूरा जीरो से पाई से जीरो के बीच में देखना है, मतलब हमारा गिवन इंटरवल यह है ऑप्शन नंबर सी के लिए। तो ऐसा फंक्शन जो एक दिए हुए पार्टिकुलर इंटरवल में अगर वह इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, तो इन दिस कंडीशन हम लोग कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। डैट मीन्स कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस आएगा इस वाले इंटरवल में, यानी ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर सही है इसके लिए। क्लियर, यानी हम बोलेंगे कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, इनमें से जितने भी दिए गए हैं सब सही हैं। तो आप ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे कि सब के सब बातें यहाँ पर सही लिखे गए हैं। क्लियर, तो चलिए क्लियर हो रहा होगा भैया, हमें विश्वास है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, तो इसे हटा लो बिल्कुल। हे राम, तो 34, अब बच्चे लोग सोच रहे होंगे सिंटू सर लिख लिख के नहीं पढ़ा रहे हैं, भैया इतना टाइम लगता है लिख लिख के पढ़ाने में कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर एक घंटा का वीडियो है तो 40 मिनट लिखने में जाएगा, एक घंटा बनाने में जाएगा, और बीच बीच में कुछ इधर उधर, समझो 2 घंटा का समय ऐसे भैया 40 मिनट में काम खत्म हो जाना है ना। तो अभी मैं सोचा अब ऐसे ही कराने में ज़्यादा फायदा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर बात करते हैं, बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवेन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 100 है ना, प्लस में साइन एक्स और माइनस में 1 इज डिक्रीजिंग। मतलब यहां पर चार ऑप्शन दिया गया है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ ऑफ एफ गिवेन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग, किस में यह डिक्रीजिंग फंक्शन है ना ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 0 से 1 है, क्लोज इंटरवल है भाई, है ना। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, तो यह है पाई बाई टू से पाई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, तो 0 से π/2 है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दीज, क्या है भैया, तो नन ऑफ दीज। ठीक, तो बताना है कि किस में यह डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में वो आप बताइए। तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, ये कितना 100 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 100 एक्स के पावर कितना 99, और साइन एक्स का डेरिवेटिव भैया कॉस हो जाएगा, है ना, और यहाँ से 1 कॉन्स्टेंट तो 0 में गया। अब 0 ले यहाँ पर, तो ये तो पार्ट पूरा 0 होगा, लेकिन कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स जो है 0 पर कैसा है, बड़ा बन रहा है ना, एफ डैश एक्स जो है यहाँ से बड़ा का केस ले रहा है 0 से 1 का। अगर बात करें तो 1 हम यहाँ पर दें, तो इसको आप कुछ भी दीजिए लाके भैया आप, है ना, इसका जो भी वैल्यू होगा कॉस का हमेशा -1 होगा, या तो 1 होगा या इसके बीच में होगा, और 1 दीजिएगा तो ये 100 रहेगा, और 100 में इसके बीच वाला नंबर जोड़िएगा तो ये हमेशा 0 से बड़ा का केस लेगा, है ना। तब यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि भैया इस पे भी यह 0 से बड़ा है, इस पे भी यह 0 से बड़ा है 1 पर, और इसके बीच का आप कोई भी नंबर रखिएगा तो हर कंडीशन में यह क्या होगा, 0 से बड़ा या तो बराबर का केस ले रहा है, यहाँ पे बराबर का केस ले ही नहीं रहा है, यानी यह फंक्शन हम बोल सकते हैं कि यह फंक्शन जो है ऑप्शन नंबर ए पर कैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए पर जो हमारा यह फंक्शन है, यह भैया इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, है ना। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इस वाले इंटरवल पर, तो इस पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू देना है इसमें, चलिए यहाँ तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं भैया, यहाँ कॉस है ये वाला, मैं दे के वैल्यू ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पाई बाई टू यहाँ पर देंगे तो कैसे करेंगे, तो पाई बाई टू का मतलब होता है
कि पाई बाई टू का मतलब है 1.57 समथिंग, ऐसा वैल्यू इसका आता है, और पाई बाई टू का मतलब 3.14। ठीक, तो इसके बीच का कोई भी नंबर यहां पर आप देंगे तो जो भी आंसर आएगा 100 टाइम बड़ा होगा, यानी 100 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 टाइम बड़ा हो जाएगा वो ना। ठीक, और इसके बीच का यहां पर ला के आप इसको दीजिए तो इस पर तो जीरो हो जाएगा और इस वाले पे ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये भैया 100 टाइम्स बड़ा है, 100 टाइम्स बड़ा है ना, इसके किसी भी नंबर पे, इस पे या इस पे या इसके बीच में। तो यहां माइनस वन से इसको क्या फर्क पड़ेगा, माइनस में आएगा कभी? नहीं आएगा, है ना। तो जब नहीं आएगा और इसके बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो ये 100 गुना बड़ा है, और ये जब भी आंसर देगा अपना तो इसी के बीच में देगा, यानी 100 गुने बड़े में अगर ये चीज जुटेगा इसके बीच वाला नंबर तो हमेशा बड़ा होगा ये चीज, है ना। तो हमेशा जब बड़ा होगा तो ये हमारे डिक्रीजिंग का केस नहीं है, बी नंबर ऑप्शन पर भी यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इनक्रीजिंग है। अब बात रही थर्ड वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, इसको भी देखते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन ये है, यही है भैया। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या था? तो एफ डैश एक्स था 100 एक्स के पावर 99 प्लस में कॉस एक्स। तो यहां से जीरो दीजिएगा तो ये तो जीरो तो बना लेगा, लेकिन ये कॉस वन कॉस जीरो वन हो जाएगा। अब इस नंबर को दीजिए पाई बाई टू को, इसको दीजिएगा ये तो जीरो तो बना लेगा, लेकिन यहां ये वाला नंबर यहां आएगा 100 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, है ना। अब इसके बीच का कोई भी नंबर यहां पर देंगे 100 गुना बड़ा चलेगा, और ये भी जो भी अपना जवाब देगा इसके बीच में देगा, तो इसमें ऐड करने से हमेशा जीरो से बड़ा चलेगा, यानी यहां पर सी नंबर पर भी ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर हम मारेंगे नन ऑफ दीज, डी नंबर, इनमें से किसी भी इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो यही हमारा क्वेश्चन था भैया 34। तो भाई आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ो ना, पढ़ उड़ लेगा ना, तो पढ़ के अगर नौकरी उकरी ले लेगा, क्या बोल रहा हूँ कि अगर पढ़ के नौकरी उकरी ले लेगा तो मम्मी अगर अभी नाम पकड़ के भी पुकारती होगी ना, जैसे विकास गोलू जो भी नाम होगा, फिर मम्मी बड़ी प्यार से बोलेगी बाबू खा ना लो, बाबू खा ना लो। और ससुरारी जब जाएगा ना तो सास बड़ी खुश रहेगी, बाबू खाली बाबू ये कहेगी सास, बाबू खा ना ले, बड़ी वहाँ मानदान होगा। और नौकरी नहीं ले ले रहेगा, उस ससुरारी में कहीं रह गया एक महीना तो इतना गोसाई की सास, मुझे गोसाई यहीं रही है ना एक महीना से जा ही नहीं के। तो भैया नौकरी बड़ी जरूरी है ना, तो ससुरारी में कोई तुम्हारा इज्जत पानी नहीं रहेगा, है ना, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, इसलिए ये सब चीज़ ध्यान दो, नौकरी बड़ी जरूरी है भाई। और ट्वेल्थ के बाद तो नौकरी ले सकते हो भैया, आराम से डिफेंस में जा सकते हो, बट कंप्लीट होना चाहिए 11th 12th बढ़िया से, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों चीज। चलिए तो बातें होगी क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 है, बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, क्या है? तो यह है 2x³ माइनस में 6x+5, है ना। बोल रहा है कि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ इंक्रीजिंग फंक्शन है यदि, यानी यहां पर इंटरवल ढूंढना है, चार इंटरवल यहां पे दिया गया है, चार ऑप्शन में, है ना। तो कौन सा भैया सही इंटरवल है जिस पर यह इंक्रीज करता होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है इंक्रीजिंग के लिए, तो एक बार इसको आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो करेंगे तो यह हो जाएगा 2x, डिफ्रेंसिएशन हो रही है भैया, तो ये 3 × 2 = 6x² माइनस में 6 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 5 गया 0 में। अब f डैश x को आप 0 से इक्वेट कीजिए, है ना, तो यहां हो जाएगा 6x² माइनस में 6 बराबर 0, तो यहां 6 होगा बाहर, तो x² माइनस 1 बराबर 0, यानी 6x² 6 तो भैया गया ना, तो x² माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा भाई, तो माइनस 1 और 1, है ना, x का दो वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगे, है ना। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे कि किधर इंक्रीज कर रहा है, तो एक आया हमारे पास माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक बात करना है, तो यहाँ पर दो वैल्यू मिले x का, एक माइनस 1 मिला है और एक 1 मिला है, ठीक।
तो इंक्रीजिंग का केस है, ओनली इंक्रीजिंग, यानी नोड को हम लोग कंप्लीटली फिलअप नहीं करेंगे यहां पे, है ना। तो चलिए, तो किसके लिए साइन स्कीम देखते हैं, तो एफ डैश एक्स के लिए देखा जाता है। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, तो ये है 6x2 - 6। तो 1 से बड़ा पे आप बात कीजिए कि ये क्या हो रहा है, तो 1 से बड़ा पे अगर बात करेंगे तो 1 से बड़ा पर यह 2 आप डाल के देखिए, तो 2 डालेंगे तो 64 में 6 को ऐड कीजिएगा, जो भी आएगा ये 0 से बड़ा होगा। और इंक्रीजिंग का केस है भाई, हम सॉरी ये क्या बोल दिए कि कंप्लीटली फिलअप नहीं करना है, करना है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो हम लोग कंप्लीटली फिल नहीं करते, लेकिन ओनली इंक्रीजिंग है तो इसको आप फिलअप करते हुए चलेंगे, है ना, इसको फिलअप करना है, ठीक, नोड को पूरा भर देना है। तो आप यहां से 1 पे बात करेंगे तो 1 लेंगे तो ये तो भैया कंप्लीट 0 बन गया, यानी इंक्रीजिंग में हमारा क्या होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा और बराबर भी होना चाहिए, है ना। तो अब इसके आगे बात करेंगे तो इसके आगे हमें ये प्लस मिल रहा है, ठीक, यानी इधर इंक्रीज कर गया उधर, ठीक। इसके बीच में बात कीजिए तो इसके बीच में एक 0 है, 0 आप लेंगे तो ये पूरा 0 यानी ये माइनस, और भी कुछ लीजिएगा तो ये जो भी नंबर हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा, इससे छोटा ही मिलेगा माइनस 6 से, क्योंकि 1/2 लेते हैं तो 1/4 ये और छोटा हो जाएगा और ये माइनस में मिल जाएगा, यानी इसके बीच में ये चीज हमें माइनस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। अब माइनस 1 से छोटा देखिए, माइनस 1 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर आइए तो इधर आप माइनस 2 लीजिए तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 64 - 6 कुछ भी आप इधर लेंगे आप माइनस में स्क्वायर उसको प्लस करेगा, यानी ए भैया प्लस हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, तो जहां जहां प्लस कर रहा है इंक्रीज कर रहा है वो चीज, यानी हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है माइनस इनफिनिटिव से माइनस 1 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यह पूरा कंप्लीटली फिलअप है। यूनियन, यूनियन कहां से भैया, तो 1 से लेकर इनफिनिटिव तक, है ना, इसमें हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 से बड़ा और बराबर पे, तो ये बात सही है, 1 से बड़ा और बराबर, और माइनस 1 से छोटा और बराबर पे, सी नंबर में, सही बात। तो सी नंबर ऐसे लिखा है ना कि x जो है माइनस 1 से छोटा और बराबर है, तो यही बात हो रहा है इसका, और बोल रहा है कि x जो है 1 से बड़ा और बराबर है, तो ये बात हो गया, है ना। इसमें कौन बात आ गया, ये बात, और इसमें कौन बात आ गया, ये बात आ गया, तो सी नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ ए वाला लगा हुआ है, ठीक है। तो सी नंबर आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36, इधर पानी का बोतल था ना जी दोस्त, वाटर, भाई साहब पानी पी लेते हैं, है ना, टेंशन नहीं लेने का। 36 के ऊपर बात करते हैं, 36 के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं वाटर ले लेता हूं, वाटर। अब सही हो गया, मार्कर भी चेंज कर लेता हूं, है ना, मार्कर ब्लैक वाला ले लिया भाई। 36 बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व हमारे पास क्या है, तो कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 3x एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 या माइनस वन पे। बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताइए, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे बताते हैं हम लोग, तो एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं जो हमारा गिवन कर्व होता है उसको, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² और इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3x का, तो इसमें माइनस 1 डाल दीजिए, जो आएगा आपका वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे। तो यहां एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डालिएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 प्लस में 3, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है 6 हो जाएगा, है ना,
तो 36 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है कि इसका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वह 6 होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 37। 37 है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 01। एक कर्व है भैया, और कर्व क्या है तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x, और किस पॉइंट पे बताना है तो पॉइंट है 01 का। ठीक, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताना है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल 2x। अब जो है आप इस पॉइंट को इसमें डाल दीजिए, तो पॉइंट x बराबर 0, तो x यहां पर डालेगा क्योंकि x है इसके पास, तो ये डालेंगे 0 तो ये हो जाएगा 2 × e^2 × 0, यानी ये हो जाएगा 2 × e^0, और e^0 अपना वैल्यू 1 देगा तो ये 2 निकलेगा। तो ये डायरेक्टली जो एक बार डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग पॉइंट को डालते हैं और वहां से जो हमें आंसर मिलता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा भाई, तो इसमें आप माइनस लगा के पलट दीजिए 2 में, तो माइनस लगा के पलटिएगा तो -1/2 हो जाएगा। ये आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकल गया है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, 37। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 37 का, कि आपका जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा वो -1/2 होगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं 38 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन x एट पॉइंट क्या है 0 0 पे। तो यहां क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है ना, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो कर्व क्या है हमारे पास, पहले वो लिखिए, तो कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स, किस पॉइंट पे बताना है तो 0 0 पॉइंट पे, हाँ 0 0 पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बताना है ना। तो आइए, तो क्या होगा भैया, एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, इस पॉइंट को आप इसमें ला के डाल दीजिए। ठीक, तो उस पॉइंट को जब यहां पर डालिएगा तो ये बन जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 1 दे देगा। तो स्लोप क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें चाहिए, तो ये निकल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, क्या निकल गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल गया, यानी यह टेंजेंट का स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या होता है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, इज इक्वल टू स्लोप यहां पे होता है, मतलब इस स्लोप को एम बोल सकते हैं आप, x माइनस एक्स वन। ठीक, तो y माइनस वाई वन पॉइंट में मिलेगा जो कि 0 है, स्लोप हमारा 1 आया तो ये 1, और x1 पॉइंट में मिलेगा जो कि 0 है। तो यहां से y निकल जाएगा और सिंपली x निकल जाएगा, यानी y बराबर x यहां पर हमारा क्या बन रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन रहा है एट पॉइंट 0 0। तो y बराबर x नहीं आंसर में है, तो आंसर में है क्या, x माइनस वाई बराबर 0 है, तो x माइनस वाई बन जाएगा। इसको आप इधर लाइएगा तो a क्या देगा जवाब, a y इधर आएगा तो x माइनस वाई बराबर 0 बन जाएगा ये चीज, यानी ऑप्शन नंबर d आपका जो है सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्लियर। चलिए अब मैक्सिमा और मिनिमा से है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा भैया, 39 है ना, 39 बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है, तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x² + 6x + 8। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये निकालना है ना। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, x इज बिलोंग्स टू r है, मतलब x जो है रियल नंबर है ना। तो एक बार इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 6x + 6, यही बनेगा। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू बताना है ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी पूछे, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। तो ये 6x + 6 = 0,
यानी 6x इज इक्वल टू माइनस 6, ये कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू माइनस 1। क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको हम लोग साइन स्कीम पर चेकआउट करेंगे भैया कि साइन इसका किधर से किधर जा रहा है। तो आया यह माइनस 1, तो माइनस 1 से बड़ा नंबर पे आप चेक कीजिए, माइनस 1 से बड़ा लीजिए। किसके लिए साइन स्कीम देखते हैं, तो एफ डैश एक्स के लिए देखते हैं ना। तो माइनस 1 से बड़ा नंबर 0, तो यहां आप 0 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में 6, या 0 से बड़ा 1 तब पर भी प्लस, तो ये प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पूछ रहा है यार, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो पॉइंट तो एक ही निकल रहा है, क्या है 3x² + 6+8 = 0। तो चलिए यहां ये गया माइनस 1 से बड़ा पे 0 पर, ये प्लस बन रहा है। माइनस 1 से छोटा माइनस 2, तो ये 6 × 12 -12 + 6 - 6 या -3 = 18 -18 + 6 - 12, यानी एक ही पॉइंट यहां पे हमें जो स्टेशनरी पॉइंट यहां पे मिल रहा है, जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, वो माइनस 1 मिल रहा है ना। और इस पॉइंट पे हमारा साइन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, तो माइनस से प्लस जा रहा है। और माइनस से प्लस के केस में जो है मिनिमम पॉइंट होता है और मिनिमम वैल्यू निकलता है, यानी मिनिमम पॉइंट है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम। क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू दीजिए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल ही नहीं सकता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही ऑप्शन होगा कि मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले फंक्शन का। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या है, तो बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू किसका, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसको बनाने का रूल बहुत है ना, लेकिन मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं इसको, है ना, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। लंबा चौड़ा करेंगे तो आपका दिमाग भी इधर से उधर होगा। आप ऐसा कीजिए कि इसमें 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक। तो यह 1/2 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाएगा भैया साइन 2x, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू आप दीजिए क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू, तो 1/2। अब साइन के जो हमारा साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह 1 होता है, ठीक। तो यहां साइन एक्स का मैं बात कर रहा हूं ना कि मिनिमम -1, तो साइन एक्स ही नहीं, यहां साइन 2x रहे, 3x रहे, 5x रहे, 6x रहे, कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा एक्स रहे, हमारा इसका जो मिनिमम होगा वो हमेशा -1 होगा। तो -1 × 1/2, तो ये -1/2, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो निकलेगा वो -1/2 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 40 नंबर क्वेश्चन था। तो अब आप लोग मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत करके 200 जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कीजिए, और उसमें 40 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसको जो है आप 40 में 40 स्कोर करने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।